जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैसे ही साउंड भी एक वेव है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और साउंड वेव्स क्या होती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड जब हम बोलते हैं तो वो एक वेव के फॉर्म में होता है। वो एक प्रेशर होता है जो एक मीडियम के थ्रू पास होता है, और फिर हमारे कानों में एक ईयर ड्रम होता है जो उस वाइब्रेशन को, उस प्रेशर को सेंस करता है, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है और कोई भी चीज़ हमें सुनाई देती है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो साउंड वेव्स होते हैं वो हमें क्यों नहीं दिखती। कोई तो रीज़न होगा, और अगर हम उस रीज़न को जान लेंगे तो हम थोड़े से स्मार्ट हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्मार्ट, नहीं बोलूँगा लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि कोई भी साउंड क्रिएट कैसे होता है। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और अगर कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो एयर में ही होता है। विदाउट एयर देयर इज़ नो साउंड। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि स्पेस में कोई साउंड नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि वहाँ कोई भी एयर नहीं है, तो वहाँ कोई भी मीडियम नहीं है और ना ही वहाँ कोई साउंड क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि साउंड को क्रिएट होने के लिए एयर चाहिए। एयर के बिना साउंड ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही ट्रैवल हो सकता है। वो बात दूसरे की, साउंड को हम दूसरी वेव में कन्वर्ट करके ट्रेवल करते हैं, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो साउंड जो क्रिएट होता है वो एयर प्रेशर में थोड़ा सा छेड़खानी करने से क्रिएट होता है, एयर प्रेशर में चेंज के कारण क्रिएट होता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी डेस्क के पास हैं या आपके पास कोई टेबल है, तो आप उसमें धीरे से टच करिए, मतलब हल्का मारिए जिससे थोड़ा साउंड प्रोड्यूस हो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो साउंड आपके कानों तक आया कैसे और वो प्रोड्यूस कैसे हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेंच में मारता हूँ, तो वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हिल जाएंगे और एयर में एक प्रेशर क्रिएट होगा। वो जो मॉलिक्यूल्स हिले उसके आगे वाले मॉलिक्यूल्स को हिलाएंगे, थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट होगा और वो सारी चीज़ें मेरे कानों तक आएंगी और मेरे ईयर ड्रम में वो चीज़ आ जाएगी, और फिर मेरा ब्रेन वो साउंड मुझे सुना देगा। अब ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ कि हमें क्यों नहीं दिखती साउंड वेव, मैं वो भी बता देता हूँ आप। हम ये क्वेश्चन कभी नहीं करते कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं दिखती, लेकिन मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे साउंड वेव्स क्यों नहीं दिखती, वो इसलिए क्योंकि वो एयर के थ्रू पास होती हैं, और अगर एयर के थ्रू पास होती हैं तो पार्टिकल में मास होगा, साइज भी होगा, तो वो तो हमें दिख जाना चाहिए ना, तो वो हमें क्यों नहीं दिखता। हमारी आंखों में दो स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका नाम है रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स का काम होता है कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें देखने के लिए, और कॉन्स का काम होता है कोई भी कलरफुल चीज़ देखने के लिए। सॉरी अगर मैंने यहाँ पे मिसमैच कर दिया हो, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अगर आपको हमारी आंखों के बारे में एकदम अच्छे से जानना है कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं, रॉड्स और कॉन्स सेल का यूज़ क्या होता है और वो कैसे काम करती हैं लो लाइट में, डे लाइट में, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको हमारी आंखों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बैक टू आवर टॉपिक, हमारी आंखों में दो सेल्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस कर लेती हैं, लेकिन हम उसकी फ्रिक्वेंसीज को सेंस नहीं कर सकते, इसलिए हम वेव्स को नहीं देख सकते, पर हम लाइट को देख सकते हैं। ये हो गया डिफरेंस। लेकिन जो रॉड्स और कॉन्स होती हैं वो जो साउंड के सिग्नल्स होते हैं वो उनको सेंस नहीं कर सकती, ना ही देख सकती है। जब सेंस नहीं करेगी तो देख भी नहीं सकती है। अब जैसे कि मैंने बताया, साउंड वेव्स अलग चीज होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं। तो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है उनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सके, नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते। अब अगर कोई साउंड जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है तो आप उसको सुन सकते हैं, और अगर कोई साउंड इससे ज़्यादा चला जाता है या इससे धीरे हो जाता है तो आप उसको सुन भी नहीं सकते हैं। अगर आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो आप YouTube में सर्च करिए ईयरफोन टेस्ट, आपको वो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो हम साउंड सुनते हैं वो जनरली 80 to 150 डेसिबल का होता है, उससे ज़्यादा इसकी पावर नहीं होती है, और अगर कोई भी वेव इनसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है उनको हम शॉक वेव कहते हैं। और शॉक वेव क्या होता है आपको पता होगा, और इसका इफेक्ट आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें लाइट क्यों दिखती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमें साउंड वेव्स क्यों नहीं दिखती हैं, सुनाई तो देती हैं ऑफकोर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि बाकी लोग नहीं देखेंगे। मुझे पता है ये बोरिंग कंटेंट होता है दूसरे लोगों के लिए। जब तक कोई नई वीडियो नहीं आ जाती तब तक लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोज़ को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।